सो और से वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जो कि आप सब लोग भी मेरे को पूछते रहते हो कि भाई दमन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अपडेट दो कि क्या सीन चल रहा है, कितना अभी तक कलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ना डायरेक्टर साहब ना कोई मेकर्स किसी भी तरीके से जो है दमन का कलेक्शन के बारे में हम नहीं जान पा रहे। मतलब कहीं पे भी दमन मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे दमन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आप लोगों के सामने ये विकिपीडिया यहाँ पे ओपन होगा जो कि रिसेंटली अपडेट किया गया डायरेक्टर साहब की तरफ से, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे दिखा रहा है इस मूवी का जो बजट है 95 लाख और इससे अभी तक 98 लाख रुपीस जो है कमा लिया है ओनली ओडिशा के अंदर। और ये मूवी पूरे ओडिया के अंदर रिलीज हुआ था 4 नवंबर को और हाल ही में यानी 11 नवंबर को ही जो है ये बाहर में किस किस जगह पे रिलीज हुआ है, कनाडा के अंदर रिलीज हुआ है, बहुत सारे जगह पे वहां पे क्रेज बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही बाहर के कलेक्शन हमें मिलते हैं, जैसे बाहर के कलेक्शन में कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं जरूर से आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी जितने भी कलेक्शन आ रहे हैं वो पूरे ओडिया के अंदर है, 98 लाख अभी तक ये कमा चुका है, मतलब बजट ये रिकवरी कर चुका है। अभी तक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई बेहतरीन मूवी रिलीज हुआ है और यहाँ पे 98 लाख ये कमा चुका है, यानी प्रॉफिट में अभी से चल रहा है, जहां पे कि लोगों को पता ही नहीं है। जब पता होगा तो ये कैसा तबाही करेगा और कैसा सीन मचाएगा, जब हिंदी में रिलीज होगा, पूरा पैन इंडिया रिलीज होगा, सब जगह पे रिलीज होगा, भाई सब अलग लेवल माहौल मचाए। जब ये मूवी सभी जगह पे रिलीज हो जाएगा अच्छी तरीके, मैं आप बता के जा रहा हूं 50 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करने वाला है। बजट पकड़ लीजिए 1 करोड़, मतलब 49 करोड़ ही प्रॉफिट है, मतलब 49 टाइम्स ये ज्यादा चला। भाई साहब कैसा तबाही होने वाला है जब सोच के देखो, जब ये रिलीज हो जाएगा सभी जगह पे, मतलब अभी लोगों को उतना ज्यादा पता भी नहीं है, फिर भी अभी भी ये प्रॉफिट में चल। और ये जो अभी तक का कलेक्शन है 98 लाख, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन भाई ओडिशा के अंदर ये कलेक्शन भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन है। 95 लाख के बजट में बना हुआ ये मूवी है, कुछ दिन ही हुए है और ये मूवी 98 लाख रुपीज कमा चुका है। भाई साहब उस जगह पे ये बहुत ज्यादा बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, उड़ीसा की मूवी को जो ये प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, भाई साहब वो अलग लेवल का होगा। और फिर से मैं कहता हूं, जब मैं बात कराऊंगा 1 मंथ बाद, मैं बताऊंगा 2022 का सबसे प्रॉफिटेबल सबसे बेहतरीन मूवी दमन ही होगा। आप लोग इसमें क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम पे जैसे ही ओडिया के बाहर ये मूवी लगता है, फिर हिंदी में रिलीज होता है, फिर पैन इंडिया रिलीज होता है, जैसे भी चीजें होते हैं, अपडेट अगर निकल आते हैं, कलेक्शन अगर निकल आते हैं, मैं जरूर से आपको अपडेट कर देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप लोगों का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, जो मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, कमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट करना मत भूलना और मेरे को बताना कि ऑफिशियल कलेक्शन क्या यही है या फिर और ज्यादा बड़ा है, मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। और हिंदी का क्या अभी सिलसिला चल रहा है, अगर आप लोगों को कुछ पता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। और आप लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, तो जरूर से कमेंट कर देना, मैं एक कमेंट को जरूर से पिन कर दूंगा। तो आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।